सो हाई गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रून जॉब अलर्ट। सो गाइज, आज काफ़ी अच्छे अपडेट आ रहे हैं और ये आज का हमारा अगला वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं अगली जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है बिहार के तरफ से, बिहार फायरमैन की रिक्रूटमेंट निकला है गाइज, जिसमें अगर आप 12th पास हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2300 से ऊपर की वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके बारे में गाइज फुल डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले गाइज, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, बिहार फायरमैन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकला है, आप देख सकते हो यहाँ पे केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा बिहार की जो सिलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकला है, सिपाही भर्ती की रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें आप वो भी फायर जो है उनके लिए, ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा। ओके, सो मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया अपने आर्टिकल में, आप इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप चेक जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल CSDC। सो गाइज, हम कहाँ थे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल वालों के लिए 957 निकला है, जिसमें से पुरुष मेल के लिए 624, फीमेल के लिए 333 वैकेंसीज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अभी इसको थोड़ा सा हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, मेरी थोड़ी सी दिक्कत है, OBC SC ST इस तरीके से लिखा है, पहले जनरल है, फिर OBC, फिर SC, फिर ST, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अब यार थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दे, आर्थिक रूप से कमजोर, आई थिंक ये जनरल हैं, ये EWS हैं, OBC, अब अनुसूचित जाति, यार कर लेना कन्वर्ट अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट करके मैं लिखा हूँ, जनरल के लिए 333 पोस्ट, EWS के लिए 71, SC के लिए 141 पोस्ट, ST के लिए 00, ST के लिए 00 है क्या, ओके महिला के लिए 00 है, ओके मिस्टेक हो गया, 23 टोटल वैकेंसीज हैं इसमें, और फिर EWS के लिए 162, OBC के लिए 89 और EBC फीमेल के लिए 97 पोस्ट, ठीक है, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप एक बार चेक कर लेना। आगे बात करें, एज लिमिट है, तो अगर आपकी एज 18 से 25 साल है गाइस, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी SC ST कैंडिडेट की एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th पास हो बिहार बोर्ड से या फिर बिहार के किसी भी ऐसे रिलेटेड बोर्ड से, मदरसा से या फिर संस्कृत मीडियम वाले जो भी हैं उन सबसे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल काफ़ी अच्छी रखी जा रही है, 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में रखा जाएगा, और जो एग्जामिनेशन फीस है वो 450 रुपये लिया जा रहा है जनरल OBC EWS और इनसे, ठीक है, और SC ST वालों के लिए 112 रुपये। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन यहाँ पर पहले एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अप्लाई करने के लिए लिंक वगैरह मैं आपको दे दिया हूँ, 23 तारीख से आज से ही लिंक स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो भाई अप्लाई कर लेना, और इसका फुल नोटिफिकेशन हिंदी में है, अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप जरूर इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करके ही जाइएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उन्हें भी अपडेट रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।